हम लोग सत्ता के लालच नहीं है अखिलेश यादव जी, बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग संघर्ष से निकले हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है कि नेताजी सबको लेके चलते थे, लेकिन यहाँ चंद लोग फैसला लेते हैं, वो भी एसी कमरे में बैठ के। जो नेताजी पर गलत टिप्पणी किए, नेताजी पर गलत चिट्ठी लिखे, ऐसे लोग समाजवादी आंदोलन के ध्वज आलमबरदार बने हुए हैं। हम लोगों की पूरे प्रदेश में ये लड़ाई है, इस मुहिम को हम लोग तेज करेंगे और इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे कि स्वामी प्रसाद जैसे लोग आकर के समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। अखिलेश यादव जी, आपने ये जो पीडीए बनाया है, ये आपको पीडीए नाश कर देगा। राजनीति से आए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग 2027 का, जो सम्मान देगा उसके साथ हम लोग तालमेल करेंगे। समाजवादी पार्टी के संघर्ष के दिनों के साथी रहे और फिर उसके बाद शिखर तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले जो है कई जो है सीनियर लीडर, जो कि अब उन्होंने बगावत के बिगुल बजा दिया है, हमारे साथ हैं, वो लोग बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश जी से। ब्रिजेश जी, संघर्ष के दिन, उसके बाद शिखर और फिर उसके बाद अब बगावत, कैसे देखते हैं ये और क्या कारण है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। हम चाहे प्रदीप तिवारी जी हों, चाहे पीडी तिवारी जी हों, हम लोग तमाम जो सैकड़ों नौजवान हैं, हजारों नौजवान हैं, जो लगातार 20-22 साल साथ दिए विचारधारा के साथ, उस विचारधारा की पूरा पूर्ण रूप से कुछ लोगों ने मिल के परिवर्तित कर दिया है, और हम लोगों की पूरे प्रदेश में ये लड़ाई है, इस मुहिम को हम लोग तेज करेंगे और इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे कि लोगों का करियर जिस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद किया है, लोगों के सपने को तोड़ा है, जो ये जो पूरे प्रदेश में किन लोगों ने, तमाम ऐसे लोग हैं, हम आपको क्या बताएं, जो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द रह के अखिलेश यादव के कान में भर के तमाम चीजों को गुमराह किए हैं लोग, उनका नाम भी हम बता देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। दूसरा बात ये कि जिस तरीके से आप लोगों ने बिगुल बजाया, आपने कहा कि पूरे प्रदेश के जो सपा के कार्यकर्ता हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको जागरूक करेंगे, इससे नुकसान तो दल का होगा ना सीधे? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है ये, अगर दल का नुकसान होता तो ये जो पार्टी को सींचे हैं लोग 20-30 साल, उनके साथ अन्याय नहीं होता। अगर सबको लेके नेताजी सबको लेके चलते थे, लेकिन यहाँ चंद लोग फैसला लेते हैं, वो भी एसी कमरे में बैठ के। तिवारी जी से बात कर लेते हैं, जिस तरीके से पहले एक संघर्ष किया आप लोगों ने दल को इतने ऊपर ले जाने में, अब दूसरी बात, आप जो दल में कह रहे हैं कि दलदल है कुछ लोग, कौन है वो लोग और किस तरीके के उनके मतलब अखिलेश जी को क्या वो गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को, इस देश के लोकप्रिय नेता रहे अखिलेश यादव जी को, कुछ जो लोग MLC रहे जिनका एटा में MLC का पर्चा नहीं भर पाए, उन लोगों ने अखिलेश यादव जी को गुमराह करने का काम किया है। वो लोग संघर्ष से निकले, ईमानदारी से और अपने मेहनत से अपने जीवन को न्यौछावर लोहिया जी के सिद्धांतों पर, नेताजी के सिद्धांतों पर किए। वो लोग जो नेताजी पर गलत टिप्पणी किए, नेताजी पर गलत चिट्ठी लिखे, ऐसे लोग समाजवादी आंदोलन के ध्वज आलमबरदार बने हुए हैं। ऐसे फर्जी आलमबरदारों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और मैं प्रदेश के तमाम ऐसे नौजवान जो समाजवादी पार्टी में रहकर कुंठित हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, ऐसे लोगों का एक मोर्चा बना करके ऐसे गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और कम से कम इस आवाज को गांव की जनता और विश्वविद्यालयों तक पहुंचाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप आवाज उठाएंगे, फिलहाल तो वो आवाज दल के खिलाफ मानी जा रही है, एक दूसरा कि जब जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो उनको आप लेकर कहां जाएंगे, किसी दल में जाएंगे या फिर अपना दल बनाएंगे, ये तमाम चीजें कहां जाएंगी? हम लोग एक बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण साथियों के साथ बैठक करेंगे 4 दिन में, और बैठक करने के बाद हम लोग 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उसके, और उसमें हम लोग एक मोर्चा बनाएंगे, इसी दारू सफा में हम लोग एक मोर्चा बना करके आप लोगों के सामने उस मोर्चे को लाएंगे। वो मोर्चा संघर्ष करेगा इस अन्याय के खिलाफ, वो मोर्चा संघर्ष करेगा जुल्म के खिलाफ, वो मोर्चा महंगाई के खिलाफ संघर्ष करेगा, वो मोर्चा उदयवीर सिंह जो एक पॉलिटिकल नेक्सस बना करके समाजवादी पार्टी और नेताजी के सिद्धांतों की पार्टी को बर्बाद कर रहा है, जो यादवों की द्वारिका एटा में जा करके समाजवादी आंदोलन को खराब करने का काम किया, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों की आवाज रहेगी। और मेरा नारा यही है, संघर्ष काल में मोह करे जो माई का लाल नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोर्चा बनाएंगे आप, सारी बातें हैं, फिर मोर्चे का संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद जो परिणाम होगा वो कहाँ जाके रुकेगा? आगे फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के पैरेलल खड़े होंगे? जब हम लोग चुनावी राजनीति से आए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग 2027 का, जो सम्मान देगा उसके साथ हम लोग तालमेल करेंगे, जो सम्मान देगा उससे हम लोग बातचीत करेंगे, और अपने साथियों से
मिलके बात करके उनके निर्णय को अंतिम रूप से आपसे बताएंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चीजें चल रही, पहले पीडीए आया, उससे पहले फिर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, तो क्या ये चीजें भी आहत कर रही हैं? देखिए, तो आपके सब लोगों के सामने है, पूरे देश प्रदेश की जनता देख रही है। अब ये श्रद्धे नेताजी की पार्टी का हाल है। श्रद्धे नेताजी महापुरुष थे, श्रद्धे नेताजी ने इस पार्टी का गठन किया था, इस पार्टी को कहां से कहां लेके गए थे। समाजवादी आंदोलन हुआ करता था। आज समाजवादी आंदोलन आपको दिखता है? कहीं पे आपको संघर्ष करते हुए लोग दिखते हैं? जो लोग कहते हैं, मैं उनके बयान पे कहता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी आपके पार्टी में आए थे, संजय सिंह आए थे, केशव मौर्य आए थे, ये क्यों कहते हैं कि एसी में बैठ के पार्टी नहीं चलती? क्योंकि इन्होंने देखा है ना। और हम लोग तो संगठन के लोग रहे। 12 साल 11 साल में जिले का अध्यक्ष रहा, 8 साल 9 साल प्रदेश का अध्यक्ष रहा, साल भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा लोहिया वाणी। ये कोई पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा वाली पार्टी थी, वो पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं बची। छोटे लोहिया की जो पार्टी थी जनेश्वर मिश्रा जी की, वो पार्टी नहीं बची। जो श्रद्धे नेताजी ने पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को, उस आंदोलन को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया है। तो ये पार्टी अब किसकी बची? अब ये पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। क्यों नहीं निकालते हम लोगों को दल से? हम लोग जुल्म जाति का सामना कर रहे हैं, हम लोग गलत का जवाब दे रहे हैं, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आपने, चाहे वो पीडी तिवारी जी हो, चाहे वो ब्रजेश यादव हो, चाहे वो बरेली के अनिल शर्मा रहे हो, चाहे आगरा की रोली तिवारी रही हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र नेता, पहली महिला अध्यक्ष हुई आजादी के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऋचा सिंह रही हो, या वो राकेश पाल रहे हो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने किन किन नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ धोखा किया? आज प्रदीप तिवारी के साथ किया। वो कहते हो ये भारतीय जनता पार्टी के टच में है, जो आपके पास से, आपकी नीतियों रीतियों से विचलित हो, और थोड़ा उधर हो, कहते हो भारतीय जनता पार्टी के उसमें है। हम लोग सत्ता के लालच नहीं है अखिलेश यादव जी, बताना चाहता हूं आपको। हम लोग संघर्ष से निकले हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हैं, हम लोगों की जान चली जाए मगर हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ेंगे। आदरणीय नेताजी कहते थे कि जब जुल्म जाति अत्याचार हो, किसी के साथ गलत हो, किसी के मान सम्मान के साथ गलत हो, तो नौजवानों तुमको लड़ना चाहिए, तुमको आंदोलन करना चाहिए, तुमको बगावत करना चाहिए। चाहे मैं क्यों ना मुख्यमंत्री रहूं, चाहे मैं क्यों ना रक्षा मंत्री हूं, चाहे मैं क्यों ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नहीं लड़ोगे अपने लिए तो खत्म हो जाओगे, जनता के लिए नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे, आपको लड़ना पड़ेगा समाज के लिए, अपने लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपके पार्टी में जुमे आए स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहते हैं धार्मिक ग्रंथ पे बात उठाते हैं, कहते हैं ये रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, ये मानसिक पागल हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद जैसे लोग आकर के समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। अखिलेश यादव उसको तवज्जो देते हैं, अखिलेश यादव सह देते हैं, क्यों नहीं निकाला पार्टी से? निकाल के पार्टी से बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को। पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? आज कितने लोग नर्वस हताश बैठे हैं, कितने लोग डिप्रेशन में बैठे हैं, किसको आपने क्या काम दे दिया, चार चार पांच पांच बार चुनाव हार गए, आगे आने वाला 2024 का भी चुनाव है, उसमें भी 0/0 होगा। प्रदीप जी, ये पीडीए का सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साफ है, फिर जनरल कहां गया, एक बड़ा सवाल ये है, इसलिए मैं ये पीडीए पर पूछा। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है। नेताजी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तमाम बार उन्होंने आंदोलन किए, संघर्ष किए सर्व समाज के लोगों के लिए। सर्व समाज, समाजवादी पार्टी का नाम, सर्व समाज से लोग जुड़े थे, समाजवादी पार्टी उनकी थी, सर्व समाज के लोगों की। आज समाजवादी पार्टी किनकी है? पीडीए। कैसा पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समान वर्ग कहां गया? नेताजी 3-3 बार चीफ मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े पोर्टफोलियो रक्षा मंत्री हुए,
देश प्रदेश की सब समाज की जनता ने नेताजी को बड़े बड़े सदन भेजने का काम किया, बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठाने का काम किया। क्यों आप चार चार पांच पांच चुनाव हारे हैं? आप नया नया प्रयोग करते हैं। ये पीडीए क्या है? आप भी तो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, तो सर समाज के लोगों ने भी बहुत भारी संख्या में आपको वोट दिया था। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आपने ये जो पीडीए बनाया है, ये आपको पीडीए नाश कर देगा। सर समाज के लोगों को आपने उपहास उड़ाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेवला को आपने तवज्जो दिया है, धार्मिक ग्रंथों का उसने उपहास उड़वाया है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी, अपने इन चाटुकार सफेद सिलारों से दूर हो जाओ। आज जनता के बीच में बड़ी स्थिति बुरी है, 24 का चुनाव है, हम लोगों की लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई अखिलेश यादव जी से नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। हम लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया, 24 25 25 साल रेखे नहीं आई थी, आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते थे, कोई आंदोलन होता था भागीदारी करते थे, बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, दो दो साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल जेल रहे, किसके पीछे रहे? अपने स्वार्थ के पीछे नहीं थे, आपकी पार्टी आपके लोगों के मान सम्मान के पीछे जेल में रहना पड़ा। आज आपने दूध की मक्खी के तरीके निकाल के फेंक दिया, कहते हो नरसुत्तम ऐसे लोगों को पार्टी में न लेना। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी में मैं एक पल नहीं रहना चाहता हूं। क्यों नहीं निकालते हो? एक जमाना देख रहा है, जनता देख रही है, क्यों नहीं निकालते हो? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है? आपने सबका उपहास बना के रख दिया, सब पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ के रख दिया। आज लोग डिप्रेशन में है, तानाशाह बन गए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, आपका अहंकार और आपका कान का कच्चापन का उपचार करे ईश्वर। बस एक सवाल आखिर मिले थे प्रदीप जी, और कितने लोग ऐसे हैं आपके टच में जो आगे इस तरीके से बगावत? हजारों लोगों का फोन आ रहा है, सैकड़ों लोगों का फोन आ रहा है, पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश से। वो कुंठित बैठे हैं, उनका शोषण हुआ है। जल्दी साथ आएंगे और बहुत जल्द सितंबर में हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और मोर्चे का नाम भी तय करेंगे, और वो मोर्चा जब बगावत चालू हो गई है तो बगावत ये रुकेगी नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है आपने ये सुना जो है प्रदीप तिवारी को, उससे पहले पीडी तिवारी, ब्रजेश यादव, ये तमाम वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कई दशकों तक समाजवादी पार्टी के साथ रह के संघर्ष किया, वहाँ पे जो है इन्होंने तमाम तरीके का जो पार्टी को सहयोग किया और पार्टी को समर्थन दिया, मगर अब ये इन्होंने पार्टी को के खिलाफ जो जिस तरीके से बगावत की सुर्ख हो गए, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव के कान भरते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। और चेतावनी दी इन्होंने कि जो है समाजवादी पार्टी के पैरेलल में ये मोर्चा खड़ा करने जा रहे हैं और आगे चल के ये चुनाव भी लड़ेंगे। वीडियो चलिए इस मिराज खान के साथ, फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।